डिटेल एस्टिमेट जिला परिषद परभनी सीसी रोड। इससे पहले इसके वीडियोस में हमने मेजरमेंट शीट में 7 आइटम कंप्लीट किए हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने मेजरमेंट शीट में 7 आइटम कंप्लीट किए हैं। उसी तरीके से रेड एनालिसिस में भी 7 आइटम रहेंगे और अब्स्ट्रैक्ट शीट में भी 7 आइटम रहेंगे, लेकिन जो मटेरियल की शीट होती है उसमें ये 7 आइटम नहीं हो सकते। जिन आइटम को मटेरियल लगता है सिर्फ हम उसी आइटम को मटेरियल शीट में बनाते हैं। आज का जो हमारा आइटम है वो कॉम्पैक्शन का है 40 mm के लिए, और उसे भी मटेरियल नहीं लगता है, इसलिए हम मेजरमेंट शीट, रेड एनालिसिस और अब्स्ट्रैक्ट शीट में काम करेंगे। सबसे पहले हम मेजरमेंट में काम करेंगे, तो कोई भी आइटम कॉपी कर सकते हैं जो आपके पास यहाँ बनाया हुआ है। मैं अभी फिलहाल इसे 7 नंबर को ही कॉपी करता हूँ। कॉपी करने से पहले आप यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर लाइन नहीं है, तो कभी भी वो लाइन होनी चाहिए जिससे आपको समझ में आता है कि पेज के अंदर हम है या पेज के बाहर, क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं या पीडीएफ करते हैं तो उस वक्त तो प्रॉब्लम आती है, या फिर पूरा एस्टिमेट कंप्लीट होने के बाद अगर पेज सेटअप नहीं रहा तो उसमें काफी वक्त जा सकता है। छोटे एस्टिमेट में तो कम वक्त जाएगा, लेकिन अगर बड़ा एस्टिमेट है तो उसमें ज्यादा वक्त जा सकता है। तो इसलिए कभी भी पेज सेटअप के साथ हमें काम करना होता है। ये पेज लेआउट है, साइज A4। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लाइन आ जाती है, यहाँ पे बॉटम में भी आती है और इधर राइट साइड में भी आती है। इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे, जिसकी वजह से ये पेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन है इसे छोड़ना है और हम स्केप का इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड से, तो मैं स्केप प्रेस करता हूँ जिसकी वजह से ये सिलेक्शन छूट जाता है। ये 7 नंबर है, अब इसे 8 करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल, यहाँ क्लिक करने के बाद +1 कर देंगे, इंटर करेंगे, ये 8 हो जाता है। हमारा जो ये आइटम नंबर 8 है इसका जो SSR नंबर है, ये SSR आइटम नंबर जो है 50.61, 50.61 का नंबर है हमारा। ये असल में ये 50.61 है, हम इसे समझने के लिए 50.61 बोल रहे हैं। ये जो आइटम है हमारा ये 40 mm के लिए है कॉम्पैक्शन का, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसे चेंज कर देता हूँ। कॉम्पैक्शन का आइटम होने की वजह से ये स्क्वायर मीटर का आइटम होता है। यहाँ पर देखिए तो हमने जो आइटम कॉपी किया उसमें स्क्वायर मीटर था, इसलिए रेडी हो गया है। और ये जो 40 mm है हमारा ये 4 मीटर का है, तो यहाँ पर हमें 4 मीटर करना होगा। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से 4 टाइप करके इंटर कर देता हूँ। और अब हमें ये बदलना होगा, तो इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ये आइटम है हमारा 50.61 का, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट करना है और कंट्रोल वी करना है। मैं टैब की का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो देखिए ये इस कॉलम में आ जाता हूं मैं, यहाँ डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर मेजरमेंट शीट में यहाँ डबल क्लिक करके कंट्रोल वी कर देंगे। यहाँ बाहर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ये साइज थोड़ी बड़ी हो रही है रो की, तो उसके रो की हाइट कम की जा सकती है। तो इस तरीके से ये आइटम नंबर 8 था एस्टिमेट के मुताबिक, ये उसका SSR नंबर था, ये उसका डिस्क्रिप्शन था, और ये हमने डायमेंशन एडिट कर दिए हैं, और ये उसकी टोटल क्वांटिटी है। तो इस तरीके से मेजरमेंट शीट के अंदर 50.61 का आइटम कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका रेड एनालिसिस देखेंगे। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर लाने के लिए पेज लेआउट साइज A4, मैं इस आइटम को कॉपी करता हूँ। ये होम टैब है, कॉपी, यहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। सिलेक्शन छोड़ने के लिए कीबोर्ड से स्केप प्रेस करेंगे, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, SSR आइटम नंबर और यूनिट, ये मेजरमेंट से लाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके इंटर करना है। उसी तरीके से यहाँ क्लिक करना है इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करने के बाद इंटर करना है, इक्वल करेंगे मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके इंटर कर देंगे। उसके बाद यूनिट लाना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट और ये यूनिट पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। ये हमारा 8 नंबर का आइटम था, ये उसका डिस्क्रिप्शन था, ये SSR नंबर था उसका,
एटम का और ये यूनिट का। अब उसका ये रेट हम बदलेंगे, यहां डबल क्लिक करता हूं मैं, इसे सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी करेंगे। ये ध्यान से देख लेना है कि इसी एटम का ये रेट है। यहां डबल क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देंगे, जिसकी वजह से देखिए इसका रेट एनालिसिस से कंप्लीट हो जाता है। मटेरियल की शीट में हम काम नहीं करेंगे क्योंकि इसे मटेरियल नहीं लगता है, ये एब्स्ट्रैक्ट की शीट है हमारी। यहाँ बॉर्डर के लिए देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर, दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, और दोबारा इस बटन पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर बॉर्डर आ जाता है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। सिलेक्शन छोड़ने के लिए कीबोर्ड से स्केप प्रेस करेंगे। आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, SSR आइटम नंबर, क्वांटिटी और यूनिट, ये चीजें आती है मेजरमेंट से, तो उसे लेकर आते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद एंटर करना है, इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक एंटर। यहाँ पर यूनिट है, यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल मेजरमेंट, यहाँ क्लिक करके यूनिट लेके आएंगे। यहाँ पर क्वांटिटी है, हम देख सकते हैं ये क्वांटिटी है हमारी, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के बाजू में, इक्वल करेंगे मेजरमेंट और यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे। रेट एनालिसिस लाना है हमें, यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल करेंगे, ये रेट एनालिसिस है, यहाँ पर क्लिक करके एंटर करेंगे। आप राउंड टू भी लगा सकते हैं, इसे भी और इसे भी, क्वांटिटी को भी लगा सकते हैं और रेट को भी लगा सकते हैं। और ये जो हमने कैलकुलेशन किया उसे लगा के रखा है, देखो यहाँ दिखाई देता है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन दिखाई देता है। काम करते वक्त बहुत ध्यान से काम करना होता है, उसे चेक करना होता है। मैं अभी आपको चेक करके नहीं बतला रहा हूँ, सिर्फ कैसे काम किया जाता है वो बता रहा हूँ। तो ये थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट, ये थी हमारी मेजरमेंट शीट, और ये था हमारा रेट एनालिसिस, और ये मटेरियल की शीट है जिसमें हमने काम नहीं किया है। एक, दो, तीन, ये तीन शीट में हमने काम किया है। इसका पीडीएफ करके देख लेते हैं किस तरीके से दिखाई देता है, जो आइटम हमने काम किया है। कंट्रोल पी करेंगे, एक्सपोर्ट पीडीएफ, इसी डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे। यहाँ इसका नाम बदल देते हैं, हम 01 कर देते हैं, उसके बाद पब्लिश करते हैं। एस्टिमेट के सिर्फ हमने तीन शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, जो हमने काम किया उस आइटम को देखने के लिए। तो देखिए ये 8 नंबर का आइटम था हमारा, जो हमने आज कंप्लीट किया है। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट थी, ये हमारी मेजरमेंट शीट है जिसमें हमने ये 8 नंबर का आइटम किया है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये रेट एनालिसिस है और हमने ये 8 नंबर का आइटम किया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे ये रेट एनालिसिस है, ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, तो यहाँ पर हेडिंग आई है। उसी तरीके से ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है, लेकिन जब ये दूसरे पेज पर ये आइटम आया तो यहाँ हेडिंग नहीं है। तो हम देख लेते हैं इस हेडिंग को किस तरीके से लाया जाता है। ये हमारी मेजरमेंट शीट है और यहाँ पर भी देखो हेडिंग यहाँ हमें नजर आती है। तो ये हमारा, यहाँ मैं बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन छूट जाता है। यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए ये पेज लेआउट है, प्रिंट टाइटल्स है, और यहाँ पर रोज टू रिपीट एट टॉप, ये शीट सिलेक्शन है। तो देखिए डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये शीट सिलेक्शन करेंगे तो ये वही ऑप्शन होता है। यहाँ क्लिक करेंगे, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे। अब मैं अगर इस शीट का पीडीएफ कन्वर्ट करूँ तो आप देखेंगे कि इसमें हेडिंग आ चुकी होगी। कंट्रोल पी करेंगे, एक्सपोर्ट, यहाँ क्लिक करेंगे, फाइल का जो नाम है मैं 02 कर देता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप, उसके बाद पब्लिश। ये जो 2 नंबर की हमारी ये शीट है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जिससे ये फिट हो जाता है, थोड़ा जूम हो जाएगा ये। तो इस तरीके से देखिए ये हमारी हेडिंग आ जाती है 8 नंबर को। इससे पहले जो हमने किया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है और ये दूसरे नंबर का पेज है और उस पर ये 8 नंबर है, लेकिन अभी हमने उसे दुरुस्त कर लिया है यहाँ पर।